हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या पीरियड्स के दिनों में आप गर्भवती हो सकती हैं? आइए जान लेते हैं इसके बारे में। क्या होगा जब आपको मालूम चलेगा कि पीरियड्स के दिनों में भी गर्भवती हो सकते हैं? जानिए इस बारे में कुछ अन्य बातों को। जब महिलाओं को संतान नहीं चाहिए होती है तो वो मासिक धर्म को सबसे अच्छा समय मानती हैं। उन्हें लगता है कि इन दिनों में बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने पर भी कोई खतरा नहीं होगा और वो गर्भवती नहीं होंगी। जबकि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि मासिक धर्म के दिनों में बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करने पर कुछ महिलाएं गर्भवती हो गई, जबकि उन्होंने बेबी प्लान नहीं किया हुआ था। उसके बाद जब अगली बार उन्हें पीरियड्स नहीं हुए, तब जाकर उन्हें इस बात का पता चला। मासिक धर्म या पीरियड्स एक घटना होती है जिसमें महिलाओं के अनिश्चित अंडे उसके सिस्टम से बाहर निकल आते हैं, जिसमें यूट्रिन लाइनिंग भी बाहर आ जाती है। ऐसा महीने में एक बार 5 दिनों के लिए होता है। अगर इस दौरान महिला गर्भवती हो जाती है तो उसे पीरियड्स नहीं होते हैं और संतान होने तक ये बंद ही रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन दिनों में संबंध बनाने से गर्भधारण हो सकता है या नहीं। हर महिला का महीने में ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरह सुरक्षित होती है, जिसे ओव्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। ये महीने में कुछ ही दिन चलता है जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा फर्टाइल होती हैं, क्योंकि इसे एग रिलीज हो चुके होते हैं और वो स्पर्म के मिलते ही दोबारा फर्टाइल हो सकती है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान अनिश्चित अंडे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और उसके शरीर में अगले ओव्यूलेशन की विंडो ओपन हो जाती है, जो कि कुछ दिनों तक रहती है। इस दौरान महिला को सबसे ज्यादा गर्भ धारण करने की चांसेस होते हैं। हालांकि कई मामलों में ऐसा भी हुआ है कि मासिक धर्म के दौरान बिना गर्भ निरोधक के संबंध करने पर भी महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही उन्हें गर्भ आया, लेकिन ऐसा हर मामले में संभव नहीं है। कई बार स्पर्म 5 दिनों से ज्यादा समय तक गर्भ में जिंदा रह जाता है और बाद में भ्रूण का रूप ले लेता है। ऐसे में अगर महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाना चाहे तो निरोग का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि 10% चांस होता है कि वो गर्भवती हो सकती हैं। इसलिए अगर आप बेबी नहीं चाहती हैं तो जोखिम ना लें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।